हीरो बनने का सपना था मेरा, बन बैठा बाबा मैं। 8वीं 7वीं क्लास करके आया था घर से, उस टाइम बच्चा ही था, रोता था आते। जहाँ भीड़ हो लाखा की, जहाँ चलती नहीं मंत्री और साबा के, वहाँ चला करे बाबा की जय, बाबे की। कहीं इस दुनिया में कोई नहीं है, सब मोह माया है। उस चीज को देखते देखते मन अट गया। घोड़े का भगत सुना कर छेड़खानी, देख आग सिरे लागे जे छेड़ेगा बेगानी। नमस्कार, मैं अंकुश राठी और आप देख रहे हैं एवरेस्ट 24 न्यूज। और भाई आज हम आपको ऐसे इंसान से मिलाएंगे जो फिल्म लाइन में आना चाहते थे लेकिन घुस गए बाबा लाइन में। तो भाई आपसे बात कराते हैं। नमस्कार। हाँ जी, सभी को राम राम, हर हर महादेव। तो गुरुजी बात करना चाहेंगे, आप कहाँ से हो, क्या आपका परिचय है? मेरा नाम दुर्लभ डीजे है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, चूरू डिस्ट्रिक्ट का। तो गुरुजी बात करना चाहेंगे आपसे, हमें पता लगा है आप फिल्म लाइन में जाना चाह रहे थे और बाबा लाइन में आप घुस गए। हाँ जी, पहले बाबा लाइन में आने की वजह क्या रही है? पहले बचपन में शौक था हरियाणा इंडस्ट्री में जाने का, सॉन्ग भी तैयार किए हुए हैं, लिखे हुए भी रखे हैं अभी तक। फिर जैसे हमारे गुरुजनों की जो कहानियाँ हम सुनते थे, पढ़ते थे, जो उनका पूर्वजों का जो गुरु पूर्व है उनका देखते थे, तो उनका गौ सेवा में जो जेल गए हुए हैं उसमें भी गए हैं, उनको देख के ही हमारे अंदर एक अंदर से जागृति आई कि हम भी गौ सेवा ही करेंगे। जो गौ सेवा करने का आपके मन में आया है, इस लाइन में आने का है, तो आपकी कोई ट्रस्ट वगैरह होगी या कुछ? नहीं, गौ सेवा में कोई ट्रस्ट नहीं है, बस हमारे साथ वाले भाई हैं, आप जैसे सब सब सेवा करते हैं मिलके। हम एक राजस्थान में टीम है, सोपू 007, उन सब का साथ मिलके सेवा करते हैं। तो कितने आदमी संस्था से जुड़े हैं आपकी? जो हमारे जो गुरुजी संस्था है वो धर्मसंघ महाविद्यालय अलग है जी जी, उससे तो बहुत बहुत लोग जुड़े हैं, और हमारी जो है वो एक अलग है, जो नौजवान है वही सेवा करते हैं, युवा जो क्लब है वो सब सेवा करती है, कोई पुलिस में भी है, फौज में भी है, हर तरीके से है, सब सेवा तो करते हैं। यानी कि हर तरीके से आपके साथ है सब? हाँ जी, हाँ जी, तन मन धन सबसे, तीनों से ही है, तन और मन और धन तीनों से हमारे साथ देते हो। तो गुरु जी बात करना चाहेंगे, जैसे आप बता रहे हैं कि फिल्म लाइन में जाना चाहते थे, सॉन्ग भी आपके लिखे हुए हैं, तो आपने खुद सॉन्ग लिखे थे या किसी से तैयार कराए थे? वो मेरे खुद के लिखे हुए सॉन्ग हैं। और फिर जैसे कि मैं संस्कृत विद्यालय में आया था पढ़ने के लिए 2011 में, उस टाइम मैं 12 साल का था, तो वहाँ स्टडी करने आया था, 8वीं 7वीं क्लास करके आया था घर से, उस टाइम बच्चा ही था, रोता था आते ही। तो उस टाइम तो मेरे अंदर यही था कि मैं एक कलाकार बनूं। फिर पढ़ाई की और की, तो उस हिसाब से हमारे गुरुजनों ने जो समझाया, तो उस लाइन को छोड़ के हमें ये इधर आना पड़ा। तो कोई ना कोई तो मेन कारण होता है ना किसी लाइन में जाने के लिए, कि भाई मुझे तो इसमें जाना है या इसमें जाना है। जैसे आजकल के युवा है, भाई मुझे तो पढ़ाई करके सरकारी नौकरी पर जाने हैं। सरकारी नौकरी का तो था नहीं, कलाकार बनने का था, तो गुरुजनों ने जैसे समझाया, और थोड़ी बहुत दिमाग भी ये हुआ कि कहीं कहीं इस दुनिया में कोई नहीं है, सब मोह माया है। अच्छा। उस चीज़ को देखते देखते मन अट गया सब चीज़ों से, कलाकार तो से भी। पढ़ाई लिखाई कितनी हुई आप? मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है फाइनल, शास्त्री फाइनल, जैसे कि आप बोलते हैं उसको, BA फाइनल। BA फाइनल जी। तो आज आप यहाँ पर बागपत में आए हैं, यूपी में आए हैं, तो कैसा आपको लग रहा है, क्या यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है? यूपी में फिलहाल में तो बाबा ही सरकार है और हम भी बाबा ही हैं, तो अच्छा ही लगेगा, बाबा का एक नाम चल रहा है, बाबा का एक ट्रेंड चल रहा है, तो सभी हमसे इतना प्यार करते हैं कि बहुत खुशी होती है उनको देख के। तो उन सबका कहना ये है कि हमें भी कभी कोई सेवा का मौका देना राजस्थान में, जो भी गौ माता के प्रति जो भी सेवा हो, तो सब ये बोल रहे हैं कि जो भी सेवा मौका हो, अच्छी बात है, युवा अपने भारत यूपी युवा आना चाहते हो। तो आज यहाँ पे क्या प्रोग्राम ये चल रहा है आपका? ये अभी नवरात्रियों में
सौकुंडी महायज्ञ का आयोजन चल रहा है। कितने दिन तक चलेगा ये? 9 दिन चलेगा, 2 तारीख से 8 तारीख तक। तो गुरुजी, जैसे आज यूपी में आप आए हैं, बागपत जिले में प्रोग्राम चल रहा है, आपकी जो गौशाला है उसे कौन संभाल रहा है और कितनी गायें वहाँ पर फिलहाल है? वहाँ पे गाय गौ माता है, एक गौशाला में कोई में 150 है, अलग अलग गौशाला हैं, कोई में 100 हैं, कोई में 70 हैं, इस हिसाब से हैं गौ माता। तो अभी आप 9 दिन यहाँ पर रहेंगे तो वहाँ पर कौन देखभाल उनकी करेंगे, किसको जिम्मेदारी देके आएंगे? ज़्यादातर तो हम तो बाहर ही रहते हैं, वहाँ जो भी हैं हमारे पीछे जो भी हैं, जो भाई साहब हैं, जो मेहनत बना के वहाँ पंडित जी हैं, उनको संभला रखा, साथ में मंदिर भी है गौशाला के, तो वो देखते रहते हैं सब। हमारा काम है घूमना, कभी कहीं जाते हैं, कभी 2 दिन यहाँ, 4 दिन वहाँ, 5 दिन कहीं, ऐसे चलते तो आप तो बस घूमते ही रहते हैं। हाँ जी। तो कितनी टीम आपके साथ फिलहाल जुड़ चुकी है गौ सेवा की? हरियाणा यमुनानगर की टीम है, वो गौरक्षा दल भी जुड़ा हुआ हमारे साथ, राजस्थान चूरू बीकानेर जोधपुर सीकर इधर के बादरा यहाँ यहाँ के सब बंदे जुड़े हुए हैं, हरियाणा से बहुत जगह से लोग जुड़े हुए हैं, और एमपी भोपाल सतना इधर सब जुड़े हुए हैं। तो अगर वीडियो को देखने के बाद अगर कोई आपके साथ जुड़ना चाहे यूपी का युवा कोई, तो हाँ, क्या उसका प्रोसेस रहेगा, क्या वो जुड़ सकता है? हमारी इंस्टा आईडी है IAM DURLABH DJ के नाम से है, वो जुड़ सकते हैं हमारे से, कोई कुछ प्रोसेसर नहीं है, आराम से जुड़ सकते हैं, बस सेवा का भाव होना चाहिए। अच्छा, गौ सेवा का? हाँ जी, जो भी सेवा हो, समाज सेवा भी करनी पड़ती है, अब गौशाला में आ गए 20 बंदे तो उनको भोजन भी करवाना पड़ेगा, जल भी देना पड़ेगा, चाय भी देनी पड़ेगी। तो युवाओं के लिए क्या क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं के लिए यही है कि पहले आप पढ़ाई करो और नौकरी भी लगो, अगर आप गौ सेवा नहीं कर सकते तो उसमें कुछ ना कुछ आप जो कमाते हो उसमें से 5% गौशाला को दो, जो भी आपको जहाँ भी अच्छा लगे कि मैं मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है तो यहाँ दूँ मैं, तो वहाँ दे सकते हैं। तो बाबा जी बात करना चाहेंगे, जैसे आपके गाने लिखे हैं, खुदा अपने सॉन्ग लिखे हैं, डायलॉग है, वो डायलॉग किस तरीके से है? एक डायलॉग है जो याद है, जहाँ चलती नहीं जहाँ भीड़ हो लाखों की वहाँ याद कर लेना इस बाबा को, जहाँ चलती नहीं मंत्री और साहबा की वहाँ चला कर बाबा की। अच्छा, जय बाबा की। तो कुछ सॉन्ग भी होंगे आपके? एक दो, एक जैसे कि हरियाणवी सॉन्ग है तो उसमें ही है, वो कभी कभार गा लेते हैं, हीरो बनने का सपना था मेरा बन बैठा बाबा में, हीरो बनने का सपना था बन बैठा बाबा में। एक सॉन्ग भी था, ऑडियो था उसका, सॉन्ग ये था कि भोले का भगत सुना कर छेड़ खानी, देख आग सिर लागे जे छेड़ेगा बेगानी, ये है उसकी एक लाइन। तो बाबा जी बात करना चाहेंगे, जैसे आप बाबा बने हैं तो आप खुद अपनी मर्जी से बने हैं या किसी फैमिली वजह से? नहीं नहीं, किसी फैमिली वजह से नहीं, किसी और नहीं, हमारा सेवा करने का एक देखा जीवन को पढ़ा, एक सेवा में ही मेवा है, और जितनी गौ सेवा में है, जैसे कि हमारे गुरुजनों को देख के, सबको देख के, तो एक सेवा का मन बना सेवा करने का। फैमिली में कौन कौन है? वो फैमिली में मम्मी हैं, पापा हैं, भाई हैं, सिस्टर हैं, और 3 बच्चे हैं, जो 2 सिस्टर हैं, एक लड़का है, वो अनाथ हैं, वो हमारे ही घर पे रहते हैं बचपन से, तो इसलिए मैं इधर आ गया। आपकी शादी वगैरह नहीं हुई अभी? अभी नहीं हुई। तो कराने का विचार है आप अभी कुछ? अभी तो कुछ विचार नहीं, अभी तो सेवा का ही विचार है, सेवा में कहीं कहीं ऐसे भी हैं कि हमारे ही दुश्मन बने हुए हैं, जो कि उसमें मुस्लिम भी हैं जो दुश्मन हैं, कई हिंदू भी हैं, अलग अलग जगह हैं जो भी हैं, बताना नहीं चाहते, उनका नाम नहीं बताना चाहते, कई चेयरमैन भी हैं उनमें से जो दुश्मन हैं, तो अब आगे क्या हो वो भगवान को पता है, क्या करवाए क्या नहीं करवाए, इसलिए नहीं कि किसी को झंझट नहीं, किसी की ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी है, इसलिए हम आगे कुछ बढ़ नहीं रहे। ठीक है,